Hey y'all, come look at this. 10 रुपए का सेविंग करा के मैं इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत लगता हूँ, कहीं मैं गलती से इस चेहरे पर 100 रुपया खर्चा कर दूँ तब तो मैं कोहिनूर का हीरा लगूंगा। हीरा, चलो तारीफ करो, कोहिनूर आया। चला जा भोसड़ी के। तो क्या हाल है, ये है वाहिद अंसारी जो दावा करता है कि इससे ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा हैंडसम कचोदा यही है। हेलो रील्स के वासियों, पूरे दुनिया में और पूरे वर्ल्ड को मिलाकर। हैं? दुनिया में वर्ल्ड को मिलाकर? दोनों अलग अलग होते हैं क्या बहनचोद? कोई हमसे ज्यादा खूबसूरत है तो मेरे पास आके दिखाए। क्यों, जज है क्या तू भोसड़ी के? जो सारी दुनिया के खूबसूरत इंसान तेरे पास आएंगे और तू उनका फैसला करेगा कौन खूबसूरत है और कौन नहीं। और एक मिनट। हेलो रील्स के वासियों, ना बहनचो, तू तो ऐसे कह रहा जैसे हमने इंस्टाग्राम पे प्लॉट कटवा रखे हों और धीरे धीरे उसमें कॉलोनी बसाने वाले हों। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? हेलो रील्स के वासियों, अभी मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, आप लोग मेरा तारीफ करना प्लीज। अबे तू कुछ खाने जाए या फिर कहीं हगने, हमें इससे क्या, हमें क्या बोल रहा है देखने के लिए? ना बहनचो, तू खाते हुए रोमांटिक लगता है क्या? Nice. ये लीचड़ बहुत बड़ा नशेड़ी भी है, देसी दारू के चार पुगे पी जाता है बिना पानी के और डकार तक नहीं लेता, और उसके बाद इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। चांद तारे फूल सबनम, हमसे अच्छा कौन है, हमसे खूबसूरत कौन है। देख भाई, मुझे चांद तारे फूल सबनम का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो तुझसे खूबसूरत तो मेरा लंकू है। लंकू मेरे कुत्ते का नाम है, लंकू यहीं कहीं घूम रहा होगा, छोटा सा है, वो दिखेगा नहीं आपको। ये फेस मेरा देखो, इधर से हम संजय दत्त लगते हैं, और ऐसे में देखोगे तो अजय देवगन, और ऐसे में देखोगे तो लोड़ा लसन। क्या बोला तूने? क्यों, इच्छाधारी नाग है क्या तू भोसड़ी के, जो एक साथ तीन तीन चेहरे लिए फिरता है? ना एक साथ तीन चेहरे तो इच्छाधारी नाग भी नहीं लेके घूमता, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। तू तो फिर भी इंसान है, तो फिर किस हिसाब से तीन तीन चेहरे लेके घूम रहा है? आए हाय हाय, इससे घटिया एक्टिंग मैंने आज तक ना देखी। बहनचोद रोने के नाम पे बस सर पे पानी डाले जा रहा है। अबे लड़ू, आंसू आंख से आते हैं ना कि वॉशरूम के सावर से, ठीक है ना चूतिया? इससे अच्छा तो नहाने की एक्टिंग कर लेता, कम से कम नहा तो लेता इसी बहाने। ऐसा लग रहा है बहनचोद पता नहीं कितने सालों से ना नहाया। अनार का जूस पी रहा, अनार का, चलो तारीफ करो। बेटे स्टिंग वाला तेरा फूफा ना लग रहा, जो 20 रुपए में तुझे 250 ml अनार का जूस दे देगा। एक गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी और 2 रुपए का रसना पाउडर मिला लेने से वो मैंगो शेक नहीं बन जाता, रहेगा वो शरबत ही, ठीक है ना? तो यार बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे शरबत फेंक के मारो या फिर इस लिचड़ को फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और मैं भी जा रहा हूँ चमका दड़का जूस पीने, मेरी चाइना वाली आंटी ने बनाया है, तो बाय। अबे कलुआ, तू ये मैगी में कोल्ड ड्रिंक क्यों मिला रहा है बे? क्या कोल्ड मैगी खानी है? अरे बाबा ये क्या कह रहा हो, देखियो चला जा भोसड़ी के। कभी कभी मन शांत ये रहता, कभी कभी बेकाबू है, श्रद्धा और सद्भाव रहे तो हो जाता हूँ पावन, मैं पर भोग विलास और मदिरापान से बन जाता हूँ रावण, मैं मांस पके जब करेगा हम राक्षस बनकर खाएं उसे, पर बेकसूर किसी पशु की हत्या कभी कभी ना भाए मुझे।